आंख बंद कीजिए, एक मिनट सिर्फ आंख बंद, अपने बारे में एक अच्छा तसव्वुर, गुड विजुलाइजेशन, एक प्यारी सी तस्वीर कशी, प्यारा तसव्वुर अपने बारे में कि मेरी जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती से भरी है, सर से लेकर पांव तक जिस्म का एक एक हिस्सा मेरा परफेक्ट हेल्दी है। आप अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, उसकी पिक्चर अपने माइंड को दिखाइए, फिर हम काम करेंगे। सर बिल्कुल लाइट हो, माथा चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो, गर्दन बिल्कुल लाइट हो, कंधे इजी हो, फ्रेश हो, चेस्ट पेट सारी बॉडी बिल्कुल लाइट फीलिंग में हो। एक प्लेजेंट एहसास हो बॉडी के अंदर। ओके, वंस अगेन डीप ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट। जान खोल लेंगे, दोनों हाथों को लॉक लगाइए और स्ट्रेच कीजिए बॉडी को ऊपर की तरफ। बॉडी की नॉट्स ओपन करें, खोलिए। जरा फेस ऊपर करेंगे आप तो गर्दन का पिछला हिस्सा और गर्दन का फ्रंट हिस्सा भी स्ट्रेच होगा। और अपनी राइट साइड पे टर्न हो जाइए, ये देखिए घूम जाइए और घूमिए। अब यहां से अपनी राइट साइड पे थोड़ा सा झुकेंगे, ये देखिए टर्न हो गए, बेंड, यस। और थोड़ा बाजू बिल्कुल सीधे रखने की कोशिश कीजिए। अब लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाइए और टर्न हो जाए, और लेफ्ट साइड पे थोड़ा बेंड हो जाइए, बाजू सीधे रखिए ऊपर। बॉडी फ्रीज हो जाती है, बॉडी टाइट हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, सिस्टम हमारा सारा जकड़ा जाता है। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ सामने, लेफ्ट हाथ यहीं पर रहेगा, राइट हाथ पीछे ले जाए लेकिन सांस के साथ। और वापस, अब राइट हाथ सामने रहेगा, लेफ्ट हाथ पीछे। अब राइट शोल्डर ऊपर ले जाइए और राइट शोल्डर को थोड़ा घुमाएंगे, देखिए आगे से पीछे की तरफ, थ्री फोर फाइव। वन बाय वन जब आप मूवमेंट करते हैं तो वो अच्छी मूवमेंट होती है, ज्यादा होती है। टू थ्री फोर, वन मोर, फाइव। अब लेफ्ट शोल्डर ऊपर ऊपर स्ट्रेच करेंगे तो ये पूरा हिस्सा स्ट्रेच होगा, और ऊपर ही रखते हुए ये देखिए वन और ऊपर, थ्री फोर फाइव। दूसरी तरफ ऊपर ही स्ट्रेच रखते हुए वन टू थ्री फोर, वन मोर, फाइव। बॉडी को फील कीजिए ठंडक, ये जो सर्दी का लगना है ये कम होगा। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। राइट हाथ और राइट एल्बो नीचे लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हाथ को नीचे जाने दीजिए, जाने दीजिए। और अब यहीं से लेफ्ट बाजू सीधा ऊपर जाएगा और पीछे की तरफ थोड़ा
फिर वापस नीचे लेकर आइए, टच करने की कोशिश कीजिए अपने दूसरे हाथ से, वंस अगेन प्लीज देन एंड अप, थोड़ा पीछे जाएगा, वंस अगेन ब्रीथ इन एंड अप, पीछे देखिए हाथ को, बॉडी में कहां क्या स्ट्रेच हुई फील कीजिए, राइट शोल्डर का पिछला हिस्सा और पूरी लेफ्ट साइड आपकी भी स्ट्रेच हुई है, इसी तरह आप दूसरी तरफ करेंगे, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हैंड और ऊपर, थोड़ा थोड़ा नीचे झुकते चले जाए, अब यहीं से राइट हैंड आप थोड़ा पीछे जाए, वापस टच कीजिए नीचे, वन टू थ्री फोर, वन मोर, इस पोजीशन में लेकर आइए, ये पोजीशन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, अपने राइट साइड में पहले टर्न होंगे, बाद में इसी पोजीशन में रहने चाहिए, ब्रीथ इन, राइट साइड में घूमिए और वापस, नो लेफ्ट साइड में टर्न होंगे, ब्रीथ इन, ओ ये वापस, फिर ले राइट साइड में वापस, नो लेफ्ट साइड में अपना ये कमर वाला हिस्सा पेट वाला हिस्सा फील करें जहां पे भी स्ट्रेच हुई, तनाव पिंडली का अगर दूर होगा तो लाइट आपका सर होगा, सर जैसे हल्का हो जाएगा, ब्रीथ इन एंड हाथ अप, वन टू, हर बार थ्री, ऊपर देखिए फोर फाइव, ऊपर देखिए सिक्स, गर्दन पीछे की तरफ जाए, टेन टेन मोर, वन टू थ्री फोर फाइव six, seven, eight, nine, ten, फिर रुक जाइए, फिर कीजिए, फीलिंग्स हमारी बदल जाए, हमारी ये एक्सरसाइजेस तजर्बातों महसूसात का नाम है, तजर्बा हमको हो, हम नई फीलिंग्स में जाएं, नई लाइफ को महसूस करें, ओके जी, अपने हेड को हल्का हल्का मूव करें, ये देखिए शेक करेंगे, सांस नॉर्मल रखिए, और रुक जाएंगे, हेड को फील कीजिए, ओके जी, लेफ्ट हाथ उठा के राइट हाथ में, तो राइट हैंड आप बल्कि बाहर रखिए और उधर लेकर जाना है, ये देखिए स्ट्रेच हो, फोर, वन मोर,
वापस आएंगे राइट हाथ का लेफ्ट लेफ्ट टू ज्यादा से ज्यादा पेन हो जी थ्री राइट एडी पे लेफ्ट हाथ आएगा राइट हैंड आप ये देखिए ऊपर जाएगा और हाथ को थोड़ा देखिए अपोजिट एडी पे अपोजिट हाथ होगा थोड़ा बैक पे जाइए ना बॉडी दरमियान में से आगे आएगी और बॉडी को सीधा दीजिए तो वापस आएगी राइट पीछे लेफ्ट और बॉडी खुले ओके वापस दोनों हाथ आप ऊपर लेकर जाएंगे फिर एक बार टू ये फाइव टाइम करेंगे थ्री थोड़ा जिसम दरमियान में से आएगा आगे आएगा वन मोर फाइव और थोड़ा बैठा सर को ढीला छोड़े सर को ढीला छोड़े पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दे और ढीला प्लीज आंखें बंद और बड़ी अहम बात जो जदीद एक तहकीक आई है ब्रेन के बारे में ये इंसानी ब्रेन इसके अंदर लाखों की तादाद में छोटे छोटे होल्स हैं और एक होल में जितना डाटा आ सकता है दुनिया में ऐसा कोई कंप्यूटर आज तक इंसान नहीं बना पाया कि एक होल जितना डाटा भी हम किसी कंप्यूटर में रख पाए ये तो ब्रेन की बात है लेकिन जो मेडिटेशन से बात पता चलती है पूरा जिस्म इंसान का इसके अंदर लाखों साल हिस्ट्री इंसान अपने अंदर लिया है डीएनए ने थोड़ी बहुत चीजें इंसान को बताई हैं ये बहुत बड़ी बात है फिर भी तो जब हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो क्या होता है जो हमारी बॉडी के ऊपर हिस्ट्री डेटा जो स्पेस हमारी बॉडी की ऑक्यूपाइड है मैं ये कहूंगा वो जो होल्स ब्रेन के या बॉडी के वो जो ऑक्यूपाइड है तो इससे क्या होता है इन एक्सरसाइजेस से वो फ्री होते हैं वो लिबरेट होते हैं जो हम लोगों को चेक करते हैं कि ये भी बंदा ज़हीन है इसमें टॉलरेंस ज्यादा है हमारे अपने कई टेस्ट हो सकते हैं इस बंदे के अंदर याददाश्त ज्यादा है इसकी काम करने की सलाहियत ज्यादा है उसका दारोमदार इसी पर होता है कि कौन सा बंदा कितना फ्री है उसके पास कितनी स्पेस है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाटा लिए हुए है वो इंटेलिजेंट वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा ऑलरेडी वो बर्डन में है ऑलरेडी वो बोझ में है तो हम सुपर ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं कैसे जो इंसान सर से लेकर पांव तक जितना ज्यादा फ्रेश हो फ्री हो उसके कंधे वो डाटा से फ्री हो जो हिस्ट्री अपने साथ इंसान लिए हुए है उसने उसको साफ कर लिया हो जो स्ट्रेसेस जो बिहेवियर्स जो हैबिट्स या जो और इस किस्म की उसके अंदर इमोशंस हैं उनसे वो लिबरेट हो चुका हो वो उतना इंटेलिजेंट होता है उतनी उसकी वर्किंग कैपेसिटी उसकी फंक्शन उसके उतने सारे सिस्टम जो हैं
उनकी सलाहियतें वे बेहतर होती हैं और हम अपने आप को सुपर ह्यूमन बीइंग की तरफ लेके जा सकते हैं। आंखें बंद कीजिए। ये बात जो मैंने 2 मिनट में आपसे कही, ये बड़ी कमाल बात आपसे कही है, प्लीज इस पे ध्यान दे लीजिए। यानी ये हमको उम्मीद की तरफ लेकर जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि जो हो ना सके, हम अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल लाइट कर सकते हैं, हम अपने अंदर मैक्सिमम स्पेस को बना सकते हैं। हम अपने स्पेस, जैसे सुपर कंप्यूटर का मतलब यही है जिसमें बहुत बड़ी स्पेस और बहुत तेज फंक्शन होता है, ऐसे ही हम अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को सुपर फंक्शन में बदल सकते हैं। सुपर डिवाइस में हमको बदलना है अपने आप को, अपनी बॉडी को। रिलैक्स होते हैं। ओके जी, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब आप अपने पंजों पे बैठिएगा। ये देखिए, असल में ये देखिए, जैसे भी आप इसमें बैठे हो, इन पोस्चर से होता क्या है, प्लीज आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पे। पोस्चर से वो पोस्चर करने से क्या इफेक्ट आता है, इनकी केमिस्ट्री क्या है। जैसे भी आप टोज पर बैठे हैं तो एक स्ट्रेच आ रही है, एक सेंसेशन जो है वो पैदा हो रही है। अब इस स्ट्रेच और इस सेंसेशन में हमको रिएक्ट नहीं करना, हमने अपने आप को इजीली बिठाना है, नॉन रिएक्टिव रहना है। स्ट्रेच को, रेंज ऑफ मोशन को हम बढ़ने देंगे, हम इजी रहेंगे, तो क्या होगा, जो डेटा हम कैरी किए हैं वो इस स्ट्रेच से बॉडी के अंदर, बॉडी एक लाइव डिवाइस है, इसके अंदर जब स्ट्रेच आ रही है और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जब हम प्रेशर देते हैं, जैसे भी हम टोज में दे रहे हैं, टोज बॉडी का बड़ा अहम हिस्सा, तो इस पे जब प्रेशर पड़ रहा है तो एक स्पेस क्रिएट होती है, डाटा डिजॉल्व होता है, प्रेशर बॉडी के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो स्ट्रेसेस हैं उनको रिलीज होने में मदद मिलती है। और थोड़ा और बॉडी के किसी भी हिस्से पर प्रेशर हो तो ब्रेन, दिमाग जो सर के अंदर है, वैसे पूरी बॉडी का अपना ब्रेन है, मैं पूरी बॉडी को ये ब्रेन का ही सिस्टम मानता हूं, ऐसा ही है, लेकिन किसी भी हिस्से का जब प्रेशर रिलीज होता है तो ब्रेन हमारा वो सुपर फंक्शन में, वो बेहतर फंक्शन में आता है। थोड़ा और प्रेशर डालिए अपने टोज पे। ओके जी, अब दोनों हाथ सामने फ्री कीजिए, अपने पांव थोड़े से उठाइए और ये देखिए ऐसे अपनी उंगलियों को थोड़ा थोड़ा पीछे, पांव की उंगलियों को हल्का हल्का। ओके जी, अब आप अपने पांव पीछे लगा लीजिए, पेट नीचे जाएगा फिर सा, और पेट जब नीचे जा रहा है तो स्ट्रेच को थोड़ा बढ़ाइए, बिल्कुल पेट के मिडल में स्ट्रेच आ रही है, फेस ऊपर कीजिए और साथ ही आपकी गर्दन में भी स्ट्रेच आएगी, सर का पिछला हिस्सा वहां पे स्ट्रेच आएगी और स्पाइन में स्ट्रेच आएगी, बढ़ाइए थोड़ा सा। स्ट्रेच हम खुद दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ताकि यहाँ का जो जो स्ट्रेस है, जो ठोस बना है वो खत्म हो, नरमी आए हमारी पेट में, नरमी आए हमारी स्पाइन में, फेस अप है और गर्दन ऊपर। अब बड़े आराम से हमने अपनी दरमियान में से पूरी बॉडी को, स्पाइन को ऊपर लेकर जाना है, चिन को चेस्ट के साथ बड़े आराम से, ये देखिए स्लोली, और स्ट्रेच को बढ़ाते चले जाइए, जो आपकी लोअर बैक है उस पर स्ट्रेच आएगी इसमें, इसे और अंदर तक बॉडी को फील कीजिए, लिव विद योर बॉडी, लिव इन योर बॉडी, फील योर सेंसेशन, ऊपर स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच को बढ़ाइए और ताकि बॉडी खुले, वापस इजी नॉर्मल पोजीशन में। नॉर्मल का मतलब ये है ये, और राइट लेग को बैक से आप स्ट्रेच करेंगे, फेस आप देखिए, फेस आप और स्ट्रेच कीजिए, राइट लेग को फील कीजिए कहां पे स्ट्रेच आ रही है,
ये अंधा तंधा एक्सरसाइजेस नहीं है, ये तो लाइफ की डिजाइनिंग है, ये तो एक आर्ट है अपने आप को बनाने का, संवारने का। राइट लेग अप है और राइट लेग अप है, राइट घुटना अभी हमने अपनी राइट एल्बो के साथ लाके टच करना, ये देखिए को टच किया, नो वापस ऊपर और राइट घुटना बेंड कीजिए और अपना ऊपर वाला हिस्सा ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, यानी ये पूरी लेग आपकी और लेफ्ट साइड जाने दीजिए, बेंड कीजिए और लेफ्ट शोल्डर से घूम के देखिए अपने राइट पाव को और ओके वाह, थोड़ा सा उठ के बैठ जाएंगे, आगे बंद कीजिए, इसको हम कहेंगे मेडिटेशन इन मूवमेंट। मेडिटेशन का मतलब एक ही होता है कि प्रेजेंट में हम जब हैं, मुकम्मल तौर पर जब हम इस लम्हे में मौजूद हैं, वही लम्हा मेडिटेशन का होता है। तो हमने एक एक स्ट्रेच को, एक एक पोस्चर को पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ करना है। पूरी तवज्जो दें, पूरी तवज्जो दें, एक आर्टिस्ट की तरह एक एक लम्हे में, एक एक एक्शन में ध्यान देंगे हम। ओके, ये वापस दोनों हाथ सामने, नो लेफ्ट लेफ्ट है, स्ट्रेच कीजिए आप और आप फेस भी आप है, अप है और अप है। अब अपने लेफ्ट घुटने को अपनी लेफ्ट एल्बो के साथ लगाने की कोशिश करिए। ओके, आप ऊपर से लेफ्ट लेग को ले जाइए अपनी राइट साइड पर, राइट शोल्डर से घूम के देखिए अपने लेफ्ट पाँव को और घुमाइए। पूरी बॉडी के अंदर जो बल पड़े हुए हैं इन्हें हमने निकालना है और नीचे जाए वापस बैठ जाए। इन दोनों साइड्स को, पेट की, बॉडी की साइड को फील कीजिए क्या चाहिए। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, जिस सीधा घुटनों के ऊपर आएंगे और राइट पॉम को उठा के आगे ले जाएंगे, दोनों हाथ यहाँ पे और दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें एंड स्लोली डाउन। वजन शिफ्ट करें अपनी लेफ्ट थाई पे, पीछे लेफ्ट घुटने की तरफ फेस आप जाइए, देखिए थोड़ा थोड़ा वजन डालते चले जाइए पीछे और वजन डाल। अब ये वजन ऐसे थोड़ी डाल रहे हैं हम, ये को हमने थकाना थोड़ी है अपने आप को, सिर्फ इसलिए कि ये जो लेफ्ट थाई के ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए और साथ और भी बॉडी के पार्ट जितने पोस्चर में, स्ट्रेच में आ सके वो भी हम करते हैं। फेस पीछे जाए, पेट का निचला हिस्सा स्ट्रेच होगा। ओके जी, यहीं पर दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे, फेस अप और नीचे। अब लेफ्ट हाथ पे वजन डालते हुए राइट हैंड अप ऊपर, यस, और राइट आर्म को यूं पीछे ले जाइए और पीछे। ओके, राइट आर्म वापस अपनी जगह पे आएगा, नो लेफ्ट हैंड अप। आप दरमियान में से देखिए नीचे जाइए, लेफ्ट आर्म पीछे ले जाइए, देखिए पीछे जरा घूम। ओके, वाह, राइट आर्म पीछे ले जाइए, थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठा फिर तवज्जो दीजिए। तवज्जो ये काम है मेन करने वाला, बॉडी के अंदर क्या हुआ, क्या चेंज हुई, क्या सेंसेशन, उसको जानिए और साथ ही बॉडी को ढीला भी छोड़ दें। बॉडी को टाइट रख के काम करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हर पोस्चर के बाद बॉडी को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दीजिए अपनी राइट पूरी साइड को, जहां जहां स्ट्रेच आई है और ढीला।
ये माइंड का काम है, वो एनर्जी जिसमें बॉडी को टाइट किया, जैसे हम मुट्ठी को बंद करते हैं किस एनर्जी से करते हैं, वही एनर्जी यहां पर भी लगानी है। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ना है, मुट्ठियां बिल्कुल ढीली हो, कंधे ढीले हो, सर ढीला हो, ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ना है। अभी वंस अगेन आप घुटनों के लेफ्ट को आगे दोनों आंखें स्लोली स्लोली, जब हम नीचे वजन डाल रहे हैं, राइट थाई पे वजन डाल रहे हैं, राइट थाई पे एक सेंसेशन होगी, एक स्ट्रेच आएगी, आहिस्ता आहिस्ता उस स्ट्रेच को बढ़ाइए। पोस्चर्स क्या है कि जब हम मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेचिंग स्ट्रेच से, कभी वो स्ट्रेचिंग कंधों में हो सकती है, कभी कमर पे, उससे जब बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन हम पैदा करते हैं, उस सेंसेशन में जब हम नॉन रिएक्टिव रहते हैं, तो ये एक्सरसाइज का मेन असूल है। तो फिर बॉडी से वो डाटा, वो तनाव डिजॉल्व होता है, सेंसेशन की शक्ल में, सेंस लहरों की शक्ल में। और फिर दोनों हाथ नीचे, फिर नीचे वजन, फेस अप। अब राइट हाथ पे वजन डालते हुए लेफ्ट हैंड आपको, फिर ऊपर हाथ को देखिए और आहिस्ता से पीछे देते हैं लेफ्ट हैंड, टर्न कीजिए और ओके, लेफ्ट हाथ को अपनी जगह पे लेकर आएंगे, राइट हैंड आप अप और आप राइट हाथ पीछे ले जाइए, ओके दोनों हाथ वापस पूरा घूमने, लेफ्ट को पीछे लेकर जाना है, लेफ्ट उठना और ये की दोनों पीछे पिंडिया स्ट्रेच कीजिए, एरिया नीचे आप लगाएंगे घुटनों को सीधे रखते हुए तो पिंडिया स्ट्रेच हो जाए कमर। मैंने जो आज बात कही कि बॉडी को लिब्रेट करें, जैसे कोई चीज स्टक हो जाती है, ऐसे जकड़ी जाती है, भाई ये लफ्ज जकड़ा जाना, इस तरह बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो जकड़े जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उनको हमें स्ट्रेचिंग से नरम करना है। पेड़िया पीछे लगे तो फेसी पेट का निचला हिस्सा पूरा स्ट्रेच हो, थाई स्ट्रेच होगी, गर्दन ऊपर वापस डाउन फेस, देखिए खुद अपना रेजा पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाए। अब बॉडी को लेफ्ट राइट सारा घुमाएंगे, ये देखिए अंधाधुन एक्सरसाइजेस नुकसान देती हैं, हम टाइम भी अपना वेस्ट करते हैं और रिजल्ट्स भी हमको नहीं मिलते, अंधाधुन कोई काम नहीं करना। ध्यान दीजिए बॉडी के अंदर अवेयरनेस है, ये एक आर्टिस्ट की तरह काम है। अभी जैसे हमको अभी कमर पे काम करना है, चेस्ट पे काम करना है, चेस्ट हमारी बेहतर हो, पेट हमारा बेहतर हो, कमर लचकदार हो, तो कौन सा पोस्चर किया जाए ये कमर के ऊपर स्ट्रेच आ पाए। सिंपल सी बात, कमर का प्रेशर रिलीज हो पाए तो कमर अच्छी होगी, प्रेशर जब पड़ता है तो कमर ठीक नहीं होती, भारी हो जाती है, तो
हम अभी करेंगे कोबरा, दोनों हाथ साइडों पे रखिए, पेट स्ट्रेच होगा, नाक वाला हिस्सा स्ट्रेच होगा, बट स्लोली आप क्या गर्दन पीछे, अब पेट का मिडल हिस्सा स्ट्रेच हो रही है और लोअर बैक का दरमियान वाला हिस्सा वहां पे स्ट्रेच आ रहा है। स्टडी कीजिए, यकीन जानिए यू पूरी बॉडी जैसे स्क्रीन की तरह आपके सामने वो आ जाएगी, पूरी फीलिंग्स आप फील कर पाएंगे, अंदर के सेल्स को भी आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे बंद आंखों से फीलिंग हो, ये फीलिंग्स का नाम है। गर्दन और पीछे जाए, अब इस क्वेश्चन में जो आप खोलेंगे आ जाओ, जो आप ऊपर तक अंदर तक स्ट्रेच हो, अब टंग को स्ट्रेच करेंगे, आंखें जोर से खोलेंगे, जुआ भी खोलेंगे, अब आंखें भी स्ट्रेच, टंग भी स्ट्रेच और जुआ भी स्ट्रेच करेंगे। इजी और राइट शोल्डर से देखिए, देखिए अब लेफ्ट साइड को फील कीजिए वापस, अब लेफ्ट शोल्डर से पीछे देखिए, राइट साइड पेट की फील कीजिए, मोर स्ट्रेच कीजिए और ओके वापस जो आपको को जानिए, खिला छोड़ दीजिए अपने फेस के मसल्स को, माथे को, ये इंफरादी तौर पे इंडिविजुअल लेवल पे काम करना करने वाला है, हर एक को काम करने वाला है, काम करना चाहिए, हर एक अपने आप को बुलंदी की तरफ, हर एक इंसान अपने आप को सुपर सेल की तरफ लेके जा सकता है। और किसी दोनों हाथों से बड़े आराम से देखिए अपने पीछे से, अगर किसी के हाथ ना पहुंचे तो उसको हाथ को जाने चाहिए, इससे थाई लिब्रेट हो जाती है, कमर फ्री होती है, क्योंकि जिन्हों फ्री देना डाल आप पाँव में फासला है, पेट का निचला हिस्सा, मेन बात स्ट्रेच है, सेंसेशन है, सेंसेशन पैदा करनी है, वहां के प्रेशर को रिलीज करना है, फेसा और एंड वापस और राइट करवट लेते हुए सीधे हो जाएंगे और फिर ऊपर और कोशिश करें मेरी तरह, अभी राइट लेग आप, वन टू थ्री फोर सिक्स एट नाइन टेन, ओपन कोई भी बीमारी अपने दोस्तों को बताएं, जानने वालों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, लोग बीमार होकर इतने मायूस हो जाते हैं, फलाने डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फलाने ने जवाब दे दिया, ये हो गया वो हो गया, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, काम करें, डाइट बदल दें, चंद बातें जो बहुत जरूरी हैं बीमार लोगों के लिए, सबसे पहला काम चेंज योर डाइट। यकीन जानिए कैंसर की बीमारी वो भी उसी वक्त कम होना शुरू हो जाती है जब हम अपनी डाइट चेंज करते हैं। डाइट मैंने चेंज का लफ्ज यूज किया, वो क्या लग क्या है, डाइट कैसी होनी चाहिए ये पेशेंट के ऊपर है, वो क्या पहले ले रहा है उसको बदल दे बस, क्योंकि उस डाइट से सिर्फ उसकी बॉडी को ही ताकत नहीं मिल रही, उसकी बीमारी को भी ताकत मिल रही होती है। दूसरा काम बॉडी के अंदर स्ट्रेच, ये स्ट्रेचिंग जो हम कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग बॉडी के एक एक पार्ट को मूव करना शुरू कर दें, स्ट्रेच करना शुरू कर दें, उसमें स्पेस लाना शुरू कर दें, एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके जी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दोनों हाथों से दोनों पांव
घुटने पकड़ लीजिए, घुटने फोल्ड कीजिए, पीछे से उठेंगे, घुटनों को अपनी तरफ खींचिए, सांस नरम रखिए, अपनी तरफ खींचिए, नरम ओ टच करें घुटनों को सर से, ओके अब रोल करें बॉडी को, एक वन टू, पीछे बैक बटन डाले जब डाले जो फिर कहता हूँ कोई भी काम अंधाधुंध नहीं करना, तवज्जो दीजिए, तवज्जो के साथ जैसे भी हम बॉडी को रोल कर रहे थे तो पूरी उस रोलिंग के साथ पूरी उस सेंसेशन को, पूरी रीढ़ की हड्डी को फील करेंगे, इसी तरह एक एक स्ट्रेच को, एक एक पोस्चर को जानते हुए करें, जानते हुए करें, ढीला छोड़ दीजिए बॉडी को, सर को, कंधों को, चेस्ट को, बॉडी पे क्या चेंज आए, क्या सेंसेशन है, क्या तब्दीली है, क्या एहसास है, उसको जानिए जानिए। और बीमारी ये कोई अलग से कोई चीज नहीं है, ये पूरे जिस्म की खराबी का नाम ही होता है। यानी अगर किसी को कोई जिस्म के किसी हिस्से में ट्यूमर आ गई, कोई फोड़ा आ गया, कैंसर हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस वही हिस्सा जो है उसी की कोई एक्सरसाइज की जरूरत होती है या उसी के ऊपर ही काम किया जाए। फुल बॉडी पर काम करना है, वो हिस्सा एनर्जी कहीं और से ले रहा है, पेट से एनर्जी पहुंच रही है उसको, हमारी सोचों से उसको, उसके अंदर तब्दीली आ रही है, उसको एनर्जी मिल रही है, वो बीमारी पल रही है। तो फुल बॉडी एक्सरसाइज जरूरी है किसी भी बीमारी में, चाहे उसको हम बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, लेकिन फुल बॉडी वर्कआउट चाहिए। ओके जी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये दो हाथ और अपने फेस को